वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। जिस तरीके से 2018 प्री यूपीपीसीएस प्री का रिज़ल्ट लोक सेवा आयोग ने जारी किया है, उससे एक बड़ी त्रुटि हो गई है। महिला रिजर्वेशन को लेकर के जिस तरीके से उसने रिज़ल्ट बनाया है, उसमें काफ़ी खामी देखी गई है और इसका जो है शुद्धिकरण जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो लखनऊ बेंच है, उसने इसको बिल्कुल निरस्त कर दिया है, परिणाम को निरस्त किया है। न कि फिर से ये कहा है कि वो एक बार पुनः जो है रिज़ल्ट बनाएं और इस बात का ध्यान रखें कि जो महिला रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल हो, न कि ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो 20% अपने प्री के रिज़ल्ट में जो महिलाओं को क्वालिफाई कराना चाहता है, करा रहा है, उसमें सारी महिलाएं चाहे जिस स्टेट की भी हो, वो महिलाएं उसी श्रेणी में आएंगी, उसी महिला श्रेणी में ही वो आएंगी। लोक सेवा आयोग ने क्या किया है कि जो महिला जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं उनको जो है वो 20% में क्वालिफाई करा दिया है, और जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उसको वो जनरल में फाइट कराया है। याद रखिए कि जो महिलाओं का कट ऑफ जो है वो 116 गया है, जबकि बॉयज़ जनरल का कट ऑफ जो है वो, बॉयज़ हम नहीं कहेंगे, जनरल कट ऑफ कहेंगे, जिसमें लड़कियां भी हैं, अगर उस नंबर में वो अगर वो 126 से अधिक लाई हैं तो उनको वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कराया गया है। तो इस तरह का जो रिज़ल्ट बना है लोक सेवा आयोग द्वारा, उसको लखनऊ बेंच ने गलत पाया है और इस प्रकार से उसका परिणाम जो है वो रद्द घोषित कर दिया गया है, और ये आदेश दिया है कि फिर से एक बार पुनः वो रिज़ल्ट बनाए। अब इसमें समस्याएं ये है दोस्तों, इसमें कितना बड़ा बदलाव होगा ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो इसमें हम ऐसे समझते हैं कि जो 116 कट ऑफ गया है महिला वर्ग का, उसमें जो है जो महिलाएं 126 से अधिक हैं वो जो है महिलाएं वो उसमें 116 में समाहित हो जाएंगी। दूसरी बात कि जो महिलाओं का, जिन महिलाओं का 116 से लेकर के 125 के बीच में हैं, जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं वो भी उसमें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। इस प्रकार से महिलाओं की जो कट ऑफ है वो उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगी। ये देखने वाली बात है दोस्तों कि जो महिलाओं के जो कट ऑफ गया है वो 116 से मेरे ख्याल से कम 3 अंक अधिक चली जाएंगी। उसी प्रकार से जो महिलाएं जो जनरल सेक्शन से हैं, जो जनरल कट ऑफ के ऊपर थीं, 126 से ऊपर थीं या 126 थीं, वो जितनी भी महिला अगर उसमें से निकलती हैं, अगर मान लीजिए कि 500 करीब मेरे हिसाब से, अब आप भी अंदाज़ा लगाइएगा, 500 से कम महिलाएं नहीं होंगी, 500 और 1000 के बीच ही वो महिला होंगी, क्योंकि आजकल महिलाएं जो हैं वो सिविल की तैयारी में पूरी जो है तन मन धन तत्परता से लगी हुई हैं। IAS का भी रिज़ल्ट देखिए, PCS उत्तर प्रदेश, PCS उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और दिल्ली जो सटा हुआ है उत्तर प्रदेश से, वहाँ लड़कियों की संख्या जो है वो बहुत अधिक है तैयारी करने वालों की, और लड़कियां जो हैं चूँकि वो घर में रहती हैं वो ज़्यादा पढ़ती हैं तो इसलिए क्वालिफाई कर रही हैं वो भी। तो मेरे ख्याल से जो टोटल 19,000 के आसपास प्री में जो बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं उसमें जो है महिलाओं की संख्या कम से कम 1000 से अधिक ही होगी, 2000 के आसपास होंगी, और जो महिलाएं जो उसमें से जो क्वालिफाई की हैं जनरल में जो क्वालिफाई की हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी जिनका कट ऑफ जो है वो 126 या 126 से ऊपर हैं, उनकी संख्या कम से कम 1000 से कम नहीं होगी। वो लड़कियां जो है निकल करके वो महिला ग्रुप में आएंगी, महिला का कट ऑफ इस तरह से बढ़ेगा, अंतर आएगा दोस्तों। और जब 1000 के आसपास महिलाएं जब निकलेंगी तो स्वाभाविक है कि
कि जो जनरल का कट ऑफ है वो भी एक या दो अंक नीचे आ जाए, यानी 126 से 125 या 124 भी आ सकता है, ये मेरा अंदाज़ा है। तो दोस्तों, चूँकि सचिव साहब ने ये कहा है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और बहुत लोग इसे प्रभावित होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोक सेवा आयोग ने जो काम कर दिया है, जिस तरीके से उन्होंने उसने रिज़ल्ट बनाया है, उसको देखते हुए समस्याएं जो हैं वो आने वाली हैं, जो ख़ास तौर से जो तय जिनको जिन महिलाओं को जिन लड़कियों को जिन बालिकाओं को क्वालिफाई करा दिया गया है। अब इतने 30 मार्च को ये रिज़ल्ट घोषित हुआ है, इतने लंबे समय से वो तैयारी कर रही हैं, उनके उस इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अब वो भी शायद कोर्ट में जाएं तो ये संभावना है, क्योंकि उनको आप बाहर करेंगे तो वो शायद कोर्ट में जाएं, और कोर्ट अब क्या डिसीजन लेना ये लेगा ये देखने वाली बात है। इधर मुझे यही लगता है कि जनरल का कट ऑफ जो है वो दो अंक, कम से कम दो अंक ज़रूर नीचे आएगी, और महिला की जो कट ऑफ है वो कम से कम तीन अंक ज़रूर ऊपर जाएगी। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर लोक सेवा आयोग जिस तरह से सचिव का स्टेटमेंट आया है, ये वही सचिव हैं जिन्होंने 2017 की परीक्षा जो है वो जुलाई में कहा था और फिर अचानक जून में ले लिया, और एलटी ग्रेड की परीक्षा को टाल करके वो आगे बढ़ा दिया, और पीसीएस की परीक्षा जो है वो फिर वही 17 जून के आसपास उन्होंने डेट रख दी। इसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था, कुछ लोग अदर स्टेट के थे, उसमें मैं भी था, कुछ लोग अदर स्टेट की तैयारी कर रहे थे ये सोचते हुए कि जून में वहाँ का दे लूँगा और जुलाई में फिर मैं यूपी का दे लूँगा, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और यही वो सचिव हैं जो इस बार फिर कह रहे हैं कि हम रिज़ल्ट जो है या हम अपना जो परीक्षा है वो अपने नियत समय पे कराएंगे, तो समझ से परे है। हालांकि आप तैयार रहिएगा, आयोग जो है अपनी मनमानी करेगा, ये बहुत बड़ी गलती उसने की है रिज़ल्ट निकाल करके इस तरह से। तो अगर वो समय नहीं देता है, जो बच्चे इसमें जो महिलाएं और जो और भी जनरल के कट ऑफ जो चूँकि 126 से नीचे आएगा उसमें जो बच्चे और इंक्लूड होते हैं वो जो है उनको अगर समय वो कम देता है तो फिर वो भी तैयार रहें इस चीज़ को समझने के लिए, और भी वो समय चाहें तो वो कोर्ट जा सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो बंद करते हैं और उनको होशियार करते हैं कि जो है आप बिल्कुल खबरदार रहिए, जो लोक सेवा आयोग है उससे त्रुटि हुई है रिज़ल्ट बनाने में, और वो और भी बड़ा त्रुटि करने वाला है, जल्दी आन फानन में वो सबका फॉर्म भरा करके परीक्षा लेने की तैयारी में है। तो इससे आप बचिए, आप अपने हक की लड़ाई लड़िए। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।